ग्रंथों में सभी ऋषियों ने, महान पुरुषों ने यही दशा दी कि जीवन का जो लक्ष्य है ये आध्यात्म ज्ञान मनुष्य के जीवन में परिवर्तन करता है और इस ज्ञान की प्राप्ति उपलब्धि जो होती है ये साकार महान पुरुष के द्वारा ही होती है। और जब महान पुरुषों का सानिध्य जीव को प्राप्त होता है तो मानव अपने जीवन के अंदर जो छुपी हुई चेतना शक्ति है उसकी प्राप्ति करता है और उस शक्ति को प्राप्त करना ही भक्ति है और वही सत्संग है। इसीलिए उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए वो शक्ति क्या है, वह शक्ति स्वयं मानव का स्वरूप है, जीव का स्वरूप है। आप प्राप्त करने के लिए साकार महान पुरुष की जरूरत इसलिए होती है कि जैसे दर्पण के माध्यम से, शीशे के माध्यम से आप अपने फेस चेहरे को देखते हो, ऐसे ही सद्गुरु भगवान की कृपा से आप अपने अंदर छिपी हुई उस आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हो। प्रश्न उठता है कि उसके प्राप्त करने का साधन क्या है, तो उसका साधन है सिर्फ नाम। इसीलिए कहा, नाम लिया तिन सब लिया, सकल वेद का भेद, और बिना नाम नरके पड़ा, चाहे पढ़ता चारों वेद। अब विचार कीजिए नाम क्या होगा। भगवान विष्णु थे, उस वक्त सूरज थाक नहीं था। भगवान श्री राम थे, कृष्ण महाराज थे, जो भी महान पुरुष थे, तो उस वक्त सूरज था। अब उस नाम के लिए आप ये समझें कि प्रकृति थी, तो वो प्रकृति का ही देन उस नाम की देन है। आज पठन पाठन भक्ति के नाम पर अनेक जिभ्यास से जो स्मरण करते नाम को बोलते, ये नाम नहीं है। नाम का ज्ञान महान पुरुषों के द्वारा होता है। आप रामचरितमानस का अध्ययन करते हो, उसमें आता है बंदों नाम राम रघुवर को और हेतु कृषाण भानु हिम कर को। भारतवासी हो आप, थोड़ा सा विचार करें कि उस नाम के द्वारा ही अग्नि सूर्य चंद्रमा का जन्म होता है, प्रकट होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे सिद्ध हुआ कि ये नाम कागजों में, ग्रंथों में नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण को कहना पड़ा, नाना शास्त्र पठन लोके और नाना देवत पूजनम, बिना आत्मज्ञान पार्थ सर्वकर निर्थकम। हे अर्जुन, जब तक आप इस नाम को नहीं जानोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। बाहर के जो भक्ति के आधार हैं वो कैसे हैं, जैसे हाथी के दांत होते हैं, मात्र शोपीस होते हैं, दिखावा होता है लेकिन उसका पेट नहीं भरता। इसीलिए कहा, हाथी के बड़े बड़े दांत देखो तो कितने मोटे हैं, और जिनसे पेट भरता है, पेट चबाता है, वो तो बिल्कुल छोटे हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि वो नाम क्या है। इसीलिए स्कूलों में जब बच्चे थे तो गाया जाता था कि जिसने सूरज चांद बनाया। विचार कीजिए, जिसने सूरज चांद बनाया हो, जिसने सारे संसार का निर्माण किया हो, तो इससे सिद्ध होता है कि नाम प्रकृति से पहले था। दूसरी बात, आग का सानिध्य पाने से प्रत्येक चीज आग का सानिध्य प्राप्त करती है, जल जाती है, समाप्त होती है, तो क्या वो कागज आग से बच जाएगा। और उस नाम से अग्नि की उत्पत्ति हुई है,
इसीलिए कहा कि वेद हमारा भेद है, वेद हमारा भेद है और हम वेदों में नाए और जो दिल अंदर खोजता मिलते घट के माए। इसलिए जिस भक्त ने अपने जीवन के अंदर परिवर्तन किया, भक्ति को प्राप्त किया, तो उस नाम के माध्यम से और उस नाम के स्वरूप को अपने हृदय के अंदर श्री गुरु महाराज की कृपा से प्रकट किया। कैसे किया? जैसे भौतिक जगत में आप किसी व्यक्ति का नाम उच्चारण करते हो, नाम लेते हो, तो प्रकट हो जाता है, आपकी आवाज को सुन के वह व्यक्ति खड़ा हो जाता है और आपका उसका सामना हो जाता है। ऐसे ही हमारे ग्रंथों में कहा कि सुमिरिय नाम रूप बिन देखे और आवत हृदय स्नेह विषय के, जब आप उस सच्चे नाम का स्मरण करेंगे तो उसका जो स्वरूप है वो आपके हृदय के अंदर प्रकट होगा, आप उसको देख सकते हो, उसको ध्यान कर सकते हो, यही भक्ति है। अब प्रकट कौन होगा? प्रकट कौन होगा? जिसको आज समाज गा रहा है, तुम पूर्ण परमात्मा और तुम अंतर्यामी और पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके, तो जो ब्रह्म है वही तो सत्य है।